गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम प्रांशी रस्तोगी। टुडे वी आर डिस्कस द फोर्थ चैप्टर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस में सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ सर्विस। नेचर क्या होता है सर्विस का? तो कोई भी सर्विस का नेचर अगर देखा जाए तो सर्विस क्या होती है? इनटेंजिबिलिटी। मतलब सर्विस आर इनटेंजिबल, दे कैन नॉट बी टच्ड, दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर ट्रीटमेंट और टच द एंटरटेनमेंट। कह रहा है कि जो सर्विस होती है वो इनटेंजिबल होती है। इनटेंजिबल वो होता है मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और उसको हम क्या नहीं कर सकते, इनटेंजिबल चीज़ वो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं और उसको छू भी सकते हैं। तो ये होती है क्या? टेंजिबल। वन कैन, यहाँ लिखा है वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। इस पर क्या कह रहा है कि हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते बट इसको छू नहीं सकते। कोई भी क्या डॉक्टर की सर्विस को टच कर सकता है क्या? नहीं ना, डॉक्टर तो सर्विस प्रोवाइड करता है ना, तो उसको हम महसूस कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते किसी भी सर्विस को हम लोग। वी कांट टच इट। एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट quality of the offer can often not are determined before consumption and therefore purchase. It is important for a service providers that they consciously work on creation on desired service so that the customer undergoes a favorable experience. A treatment by a doctor should be favorable experience. क्या कि जैसे एक ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर, वो हमारे लिए क्या फेवरेबल एक्सपीरियंस है। अब क्या रहा है, सेकेंड पॉइंट है इनकंसिस्टेंसी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस इज इनकंसिस्टेंसी। सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट, सर्विस हैव टू बी परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। Different customer have different demand and expectation. Service provider need to have an opportunity to alter their offer to close meet the requirement of a customer. क्या कि जैसे जैसे कस्टमर होते वैसे वैसे उनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी की रिक्वायरमेंट सर्विस के लिए कुछ अलग होती है, किसी की रिक्वायरमेंट सर्विस के लिए कुछ अलग होती है। अब अगर प्रोडक्ट हो या कोई चीज़ टेंजिबल हो तो उसके लिए तो सब कुछ सेम रहेगा, बट सर्विसेज सबके लिए क्या होती है, अलग होती है। किसी को सर्विस वो अच्छी लगती है, किसी को सर्विस नहीं समझ में आती है। कह रहे दिस इज़ हैपनिंग फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ मोबाइल सर्विस। मोबाइल सर्विस में भी क्या होती है, किसी को किसी चीज़ की मोबाइल सर्विस अच्छी लगती है, किसी को मोबाइल सर्विस अच्छी नहीं लगती है। फिर आया इनसेपरेबिलिटी। एन अदर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस इज़ साइमल्टेनियसली एक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बींग परफॉर्म। दिस मेक द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विस सीम टू बी इनसेपरेबल। While we manufacturing a car today and sell it after say a month, this is often not possible with a service that have to be consumed as when they are produced. Service provider may design a substitute for the person by using appropriate technology, but interaction with the customer remain a key feature of a service. Auto teller machine may replace the banking clerk of फॉर द फ्रंट ऑफिस एक्टिविटी लाइक कैश विदड्रॉल एंड चेक डिपॉजिट। एक जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM आई, वो उसने रिप्लेस कर दिया बैंकिंग क्लर्क को फ्रॉम द फ्रंट ऑफिस में जो एक्टिविटी करता था कैश विदड्रॉ और चेक डिपॉजिट की। बट एट द सेम टाइम द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर इज रिक्वायर्ड एंड हिज एंड हर इंटरेक्शन विद द प्रोसेस टू बी मैनेज्ड। इनसेपरेबल का मतलब यही होता है कि जैसे 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 सर्विस आती जा रही है, जैसे ऑटो टेलर मशीन आई तो क्या हुआ कि जो बैंकिंग क्लर्क थे उनको रिप्लेस कर दिया गया और अपने अपने हिसाब से लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन्वेंट्री सर्विस हैव लिटिल और नो इंटेंजिबल कॉम्पोनेंट एंड दे आर फोर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर टाइम। फ्यूचर यूज़ कह रहा है कि सर्विस क्या होती है कि इनटेंजिबल होती है, पहली बात तो टेंजिबल नहीं होती, हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे कि
फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमें फ़ीवर आया तो हमने डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया, हम उसको ट्रीटमेंट जो उन्होंने किया हम उसको सेव करके तो रख नहीं सकते ना। वो तो अभी जब जब अगर दोबारा हमें फ़ीवर आएगा तो हमें फिर से जाना पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने, कंसल्ट करने डॉक्टर से। तो क्या है कि सर्विस को हम कभी भी स्टोर नहीं कर सकते फॉर अ फ्यूचर यूज़ के लिए। दैट इज़ सर्विस आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडर कैन एट बेस्ट स्टोर नेम एसोसिएटेड गुड बट नॉट द सर्विस इट्सेल्फ। कह रहे हैं कि हम लोग गुड्स को तो स्टोर कर सकते हैं अपने पास, मतलब कोई भी चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं जो चीज़ हमें दिख रही है, जो टेंजिबल इन नेचर है, बट इनटेंजिबल चीज़ को हम क्या कर नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर इन अ सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। अ कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विस मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कह रहा है कि कस्टमर ही जान सकता है कि जो उसके पास अपॉर्चुनिटी आई है उस सर्विस को किस तरह से मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे उसमें क्या होगा, सर्विस में इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा, मतलब वो चीज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वॉल्व होती जाएगी। अब डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स। कह रहे अगर नेचर देखें तो सर्विस की एन एक्टिव और अ प्रोसेस होता है। कह रहे सर्विस क्या होती है, एक तरीके की एक्टिविटी होती है जिसमें कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होता है और प्रोसेस होता है। वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल। और गुड्स क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, वीडियो कैसेट ऑफ अ मूवी, जैसे वीडियो कैसेट हमने मूवी के लिए लिए। टाइप क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए डिफर सर्विसेज प्रोवाइड होती है, मतलब जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट होती है वैसी सर्विसेज मिलती है। बट गुड्स क्या होता है, होमोजीनियस, जैसे अगर हम फ्रूट्स खरीद रहे हैं तो एक ही जैसा फ्रूट सबको मिलेगा, ऐसा नहीं होता कि अलग अलग हो जाता है, एप्पल तो एप्पल ही रहेगा सबके लिए। फिर आया इंटेंजिबिलिटी। सर्विस इंटेंजिबल है, लाइक डॉक्टर ट्रीटमेंट, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि डॉक्टर ने हमें ट्रीट किया है, बट उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। और गुड्स क्या होता है, टेंजिबल, लाइक मेडिसिन, हम मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, खा सकते हैं, देख सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड। कह रहा है कि सर्विस के लिए क्या होता है, डिफरेंट कस्टमर अपनी डिफरेंट डिमांड करता है, लाइक मोबाइल सर्विस, बट डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल्ड मोबाइल फ़ोन्स। क्या कि गुड्स में क्या होता है, डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड करते हैं फुलफिल्ड करने के लिए। फिर आए इन्वेंट्रीज, हम सर्विस को कांट केप्ट, हम लोग केप्ट नहीं कर सकते फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, बट गुड्स को हम लोग केप्ट कर सके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, लाइक ट्रेन, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्रेन जर्नी टिकट, जो ट्रेन जर्नी का टिकट होता है हम उसको कर सकते हैं, बट हम जो ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस होता है वो हम कभी भी वो सर्विस हम उसको कभी भी सेव नहीं कर सकते, वो हमारी मेमोरीज में रहता है। इन्वॉल्वमेंट गुड्स सर्विस के लिए क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट अ टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, सेल्फ सर्विस इन फास्ट फूड ज्वाइंट। कह रहा है कि सर्विस पार्टिसिपेशन, सर्विस में क्या होता है, हमारा खुद का पार्टिसिपेशन होता है, बट जो गुड्स होता है, इन्वॉल्वमेंट एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि जो इन्वॉल्वमेंट होता है गुड्स में जो इन्वॉल्वमेंट होता है, एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, मैन्युफैक्चरिंग इन व्हीकल, से व्हीकल मैन्युफैक्चर होके आता है तभी तो हमें मिलेगा ना, हम उसमें इन्वॉल्व तो नहीं होते ना। तो ये क्या है, कुछ डिफरेंस है गुड्स एंड सर्विसेज का। थैंक यू क्लास।